अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अली मरान है और मैं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सिखाऊंगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्यों सीखें, मतलब हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्यों सीखनी चाहिए या हमें ये फ्यूचर में क्या फ़ायदा दे सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसके पास सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैं एंड्रॉयड ही क्यों सीखूं, मतलब मैं कोई और डेस्कटॉप एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन मैं क्यों ना सीखूं। तो मैं बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल पे एक्सपर्टीज़ रखता हूं। तो मैं बेसिकली पहले एंड्रॉयड से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि अब जो न्यू जो जनरेशन है या न्यू मतलब फ्यूचर जा रहा है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जा रहा है। ठीक है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट बेसिकली इसके डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ायदे हैं। मतलब पहले हम चूज़ करते थे लैपटॉप पीसी वगैरह, लैपटॉप पीसी के मतलब उसके ऊपर हम अपनी चीज़ें ज़्यादातर सर्व करते थे। आजकल हम ज़्यादातर अपने मोबाइल को यूज़ करके अपनी चीज़ें बिल्डअप करते हैं, अपनी चीज़ें मतलब ओपन करते हैं, अपने अक्सर हमें मेल्स आ रही होती हैं। हम अपने पहले हम लैपटॉप या पीसी चाहिए होता था, हम उसको ऑन करते, अब हम अपने मोबाइल के अंदर सब कुछ ये कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने का बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो ये फ़ायदा है कि मतलब ये इतना मतलब महंगा नहीं है, मतलब आईओएस डेवलपमेंट के लिए आपको महंगी चीज़ें परचेज, उसमें रिस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा होती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब एक्सपेंस के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा है। जबकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो है, हम मतलब कोई छोटा सा मोबाइल लेके उसको अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करके हम ईज़ ऑफ कोड कर सकते हैं और इसका टूल या इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और हम प्ले स्टोर पर डाल के हम इसकी, और ये है कि इसकी एशिया में बिग मार्केट है, सारे लोग ज़्यादातर मोबाइल अब यूज़ करना शुरू कर दिया और मोबाइल पे ही आते जा रहे हैं। तो आप घर बैठे बैठे अपनी सिंपल सी एप्स बना के उससे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो हम बेसिकली हमें ऐप्स कैसे बनाएं, हमें पता ही नहीं होता पीछे कोडिंग क्या होती है या कैसे करते हैं, ये ऐप्स कैसे बनी होती हैं अक्सर लोगों को नहीं पता होता। और अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनके मोबाइल को कोई कैसे ट्रैक किया जा रहा है। अक्सर हमें उनके बैकएंड पे जो कोडिंग होती है, हम बटन दबाते हैं हमारा काम होता है, लोग ये नहीं सोचते कि ये हो क्यों रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायदे हैं, मतलब मैं अगर डिस्कशन करने बैठूँ तो बहुत लंबी डिस्कशन है एंड्रॉयड पर। एंड्रॉयड की मार्केट मतलब काफ़ी ज़्यादा है, तो हम एंड्रॉयड इतना मुश्किल नहीं है बल्कि ईज़ ऑफ टूल है एंड्रॉयड। इसके लिए हमें हमारे पास दो चीज़ें, एक पीसी या लैपटॉप, उसके पास एंड्रॉयड मतलब मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन अगर हमारे पास ना भी हो तो हम मतलब वर्चुअल एमुलेटर इंस्टॉल करके अपने डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड सीखने के लिए हमें बेसिकली स्टार्टिंग में चाहिए क्या होता है कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो क्या इंस्टॉल करें, कैसे इंस्टॉल करें, या हम कैसे मतलब लिंकिंग करें, या जो मतलब हम कैसे इन्वायरमेंट बनाएं और हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप है मेरे इंट्रोडक्शन का, मैं ज़्यादातर बातें नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपको इंस्टॉलेशन बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा सकूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सवाल में आता है कि हम एंड्रॉयड के लिए चीज़ ही कौन सी डाउनलोड करें जो हमें फ़ायदा दे। तो मैं उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली गूगल का टूल है और ये मोस्टली मतलब हाई एफिशिएंट, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड आप लिखेंगे या एंड्रॉयड स्टूडियो तो ये नीचे लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे तो जब आप डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एसडीके टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट आपने जा करना डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो और यहाँ पे आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट जो भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं एक बार रीड आउट कर लेना अगर आपके पास वक्त हो रहा। तो उन्होंने जो टर्म एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि ये चीज़ इसके लिए, उसके बाद डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पर क्लिक करेंगे जिससे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब जो लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो, जस्ट इतना सा करना पड़ता है, जस्ट इसका सेटअप डाउनलोड करना पड़ता है। ये 1 TB से भी कम होता है, मतलब 700 से 800 MB का होता है। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, 1 मिनट जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ये मतलब आ गया, ये डाउनलोडिंग, मैं जैसे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैं अपनी ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने एंड्रॉयड स्टूडियो या एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने का तरीका यही है, मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी बात, अक्सर ना एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते वक्त ना JDK मांगता है, अक्सर मैं नहीं अक्सर लैपटॉप में नहीं मांगता, ऑटोमेटिकली जब लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो था
इनमें JDK का इशू नहीं करता। JDK अगर अक्सर मतलब PCs में अगर वो JDK का इशू भी करे तो आपकी जो विंडो है, क्योंकि मेरे पास ये पहले ही डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, तो मैं इसको एक और चीज़ बता देता हूँ। अक्सर एरर आ जाता है इंस्टॉलेशन के दौरान। इंस्टॉलेशन इसकी सिंपल एंड ईजी है, इंस्टॉलेशन भी आपको मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। सेटअप डाउनलोड करने का तरीका मैं इस वीडियो में बताऊँगा, इंस्टॉलेशन का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह गाइड करूँगा। और एक और चीज़ बताता चलूँ मैं आपको, मैं एक और अक्सर वो JDK का इशू देता है कि वो इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा था, तो आप मतलब अपनी आपकी विंडो 8.1 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 7 है, तो उसके लिहाज से आपको JDK डाउनलोड करना है। तो आप सिंपल ये लिखेंगे JDK डाउनलोड और विंडो 8.1, क्योंकि मेरी विंडो है 8.1, तो उसके ऊपर ये डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप डिफरेंट ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं करता हूँ डाउनलोड जावा डेवलपमेंट किट जिसे कहते हैं JDK। ये फाइल हिप हॉप की वेबसाइट पे जाऊँगा और ये आराम से इसको यहाँ से 64 बिट इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूँगा और इंस्टॉलेशन कर लूँगा। ये लिंक भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। अगर आप विंडो 8 या 8.1 में ये JDK इंस्टॉल करेंगे तो कोई मसला नहीं है। और विंडो 10 के लिए उसका JDK होगा, उसके लिए JDK विंडो 10 डाउनलोड लिखेंगे और आपको JDK विंडो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको एक मिनट नोट पैड पर ये लिंक सेव कर लेता हूँ। एक ये लिंक और दूसरा लिंक मैं ये कंट्रोल सी और कंट्रोल डी, ठीक है। ये दो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, आप इजीली एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकती हैं और या कर सकते हैं, या आप इजीली अगर JDK इशू हो देगा तो वो आप। इसके बाद ये था मेरा आज जस्ट यहाँ तक आज था इंट्रो। एंड्रॉयड स्टूडियो आप सर्च कर सकते हैं कि डिफरेंट मतलब आप एंड्रॉयड स्टूडियो के फ़ायदे क्या हैं, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट हम सीख रहे हैं तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा इन फ्यूचर। तो मैं बेसिकली सिंपल यही जस्ट बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि जो न्यू फ्यूचर आ रहा है वो मिनिमाइज, वो पूरा जो अपना मेरा मोबाइल है, अब मेरा मोबाइल में रैम्स या प्रोसेसर यूज़ होने लग गए जो कि पहले मोबाइल में यूज़ नहीं होता था। तो अब मेरा पूरा जो मोबाइल है वो पूरा मेरा लैपटॉप या मेरा PC है। तो अपने मोबाइल के थ्रू मैं अपने डिफरेंट अपने ज़िंदगी के मतलब और डिफरेंट काम आसानी से कर सकता हूँ। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप ये भी मायने बिठा लें कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है आपको मतलब एंड्रॉयड की मार्केट ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा मतलब मोबाइल एप्लीकेशन बिल्डअप होने लग जाएंगी। अभी भी हो रही हैं, अभी भी लाखों करोड़ों हो रही हैं, बट इन फ्यूचर और मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगी। IT फील्ड तो और भी बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली मेरा यही बताने का मकसद था इस वीडियो का, यही मकसद है इंट्रो है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो आप सीखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, अगर कोई और जगह पर इंटरेस्ट है तो आप वो सीख सकते हैं। मैं बेसिकली ट्रेनिंग जस्ट उन लोगों के लिए स्टार्ट किया जो नहीं सीख सकते, मतलब एकेडमीज में जाके या नहीं पे कर सकते, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते कहीं पे जाके अच्छी डेवलपमेंट सीखने की। तो मैं आपको बिगनर लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक सिखाऊंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब जो जब से मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिहाज से एक्सपीरियंस है, उसके भी लेक्चर अपलोड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल सीरीज मुकम्मल करूँगा, उसको मैं आपको बिगनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक ले जाऊँगा। हम टेक्स्ट व्यू कैसे, मतलब इसके अंदर हम कोडिंग कैसे करते हैं, लेआउट कैसे बनाते हैं, हम रेडियो बॉक्स क्या होते हैं, मतलब टेक्स्ट फील्ड कैसे लगाते हैं, बटन्स कैसे लगाते हैं, हम इमेज कैसे अपने ऐप्स के अंदर रखते हैं, इमेज मतलब सर्वर पे कैसे भेजते हैं, वहाँ से फैच कैसे करते हैं, हम होस्टिंग पे कैसे काम करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स ऑफ कॉन्टेंट है। मैं तरतीब से एक प्रोजेक्ट पर ले कर चलूँगा जिससे मैं आपको कम्प्लीट करवाऊँगा। तो मेरा आज के मतलब वीडियो का जैसे ही इंट्रो था, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊँगा। तो अब अगर कोई भी मुश्किल हो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मैं अपनी ईमेल दे दूँगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी फुल ऑफ हेल्प करूँगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने में। तो आज मैं अपनी वीडियो यहीं तक वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम ज़्यादा 10 मिनट से नहीं बनाऊँगा वीडियो, और इसी के अंदर आपको ज़्यादा कवर करवाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।